आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। फतेहाबाद के नेशनल हाईवे पर चोरों ने एक बार फिर से मोबाइल शोरूम को अपना निशाना बनाया है, लेकिन मौके पर किसी राहगीर के आ जाने से चोर अचानक डरकर भाग गए और मोबाइल शोरूम को नुकसान होने से बचा लिया गया। लेकिन जाते वक्त चोर एक दुकान में पड़ा एक लैपटॉप जरूर अपने साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की सारी वारदात भी कैद हो चुकी है, जिसमें चार चोर गाड़ी में सवार होकर आते हैं और लोहे के हथियारों से दुकान के शटर को उखाड़ देते हैं, जिसके बाद जब दुकान में चोरी के लिए घुसते हैं तो अचानक सड़क से राहगीर दुकान के सामने से गुजरता है, जिसे देखकर चोर डर जाते हैं और मोबाइल मौके पर छोड़ गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान चोर एक लैपटॉप पर अपना हाथ साफ करना बिल्कुल नहीं भूले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से अपनी पहचान ढकने के लिए अपने मुंह तक ढके हुए थे। पुलिस की गश्त कर रही जिप्सी की ओर से दुकान मालिक को चोरी की जानकारी दी गई, जिसके बाद दुकान का मालिक मौके पर पहुंचा। सुबह मैं सोया पड़ा था, पुलिस वाले की कॉल आई मेरे को 3:32 पे। तो उन्होंने कहा भी आपके दुकान का शटर टूटा पड़ा, आगे देख लो। मैं दुकान पे आया तो शटर पे आया, उन्होंने तो अंदर सीसीटीवी कैमरे चेक किया और अंदर देखा कि क्या चोरी हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में देखा भी लैपटॉप लेके जा रहे हैं। कितने थे ये चोर? चार जने थे जिन्होंने शटर तोड़ दिया। उन्होंने मतलब चार जनों ने मिलकर शटर उठाया, डब्बल वगैरह थे उनके पास, साथ में सारा कुछ। किस में आए थे जी ये चोर? ये गाड़ी में आए थे, स्कूटर में। अच्छा, तो सूचना किसने दी आपको? पुलिस ने दी थी। मैं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन शहर में लगातार बढ़ रही स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के चलते लोगों में अब डर का माहौल है। ये घटना रात को लगभग 2:30 के आसपास ही घटना है। तो हमारी पीसीआर यहाँ चक्कर काट, पीसीआर ने देखा गेट दुकान का शटर उठा हुआ है, जिस पे दुकान के ऊपर दुकान के मालिक का नंबर लिखा, तो संपर्क किया गया, उसको मौके बुलाया, तो उसने बताया उसका अंदर जाके देखा तो लैपटॉप चोरी हुआ उसका, उसके अलावा उसका कोई सामान नहीं था। तो उसके लिए फुटेज वगैरह चेक किए जा रहे हैं। रात को चार व्यक्ति थे जिन्होंने चोरी की है शटर को उठा के। तो चोरी की आवाज़ करने वाले बता रहे गाड़ी में आए थे, सीसीटीवी में क्या नजर आया? हाँ, फुटेज में तो गाड़ी आ रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा अभी उसमें। कितने लोग थे सर चोरी करने? चार लोग थे। चारों गाड़ी में? चारों गाड़ी में थे। क्या कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें कि बीते दिनों भी मोबाइल शोरूम में हुई 20 लाख के मोबाइल चोरी की वारदात को भी पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।